या तो रखे सा अभिमान से दूर होकर भी दिल को हमेशा यह एहसास रहता है। भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए। उपमंडल सरका घाट के अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत भामला के गांव रोपा ठाठर में कोरोना के 15 केस आने के बाद स्थानीय प्रशासन द्वारा ग्राम पंचायत भामला के वार्ड नंबर 7 रोपा ठाठर को कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है। कोरोना संक्रमण से ग्रसित अधिकतर परिवार गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे हैं। अधिकतर लोग दिहाड़ी मजदूरी करते हैं। उन लोगों को राशन के लाले पड़े हुए हैं। जिसकी सूचना नवाई वार्ड से जिला परिषद सदस्य मुनीश शर्मा को मिली तो उन्होंने तुरंत ही लोगों को राशन उपलब्ध करवाया। जिला परिषद सदस्य मनीष शर्मा ने कहा कि महामारी की तीसरी लहर में लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लोगों के काम धंधे तक चौपट हो चुके हैं। मनीष शर्मा ने कहा कि कोरोना संक्रमण से पीड़ित लगभग सभी लोग गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे हैं। ये जो तीसरी लहर जो है ये हमारे देश के अंदर आना शुरू हो गई है और हम इसमें बचाव भी चाहते हैं और हम ये चाहते हैं कि हम इस महामारी से जो है बाहर निकल कर आएँ। और इसमें जो है सबसे मैं ये उम्मीद भी करूँगा आने वाले समय में कि जो भी लोग दिक्कत में होंगे उनकी मदद के लिए हम सबको जो आगे आना होगा। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम रमेश शर्मा है और मैं जीवन उत्साह न्यूज़ का मुख्य संपादक हूं। पिछले 2 वर्षों में हिमाचल के अलग अलग जिलों में काम करते हुए हम इस चैनल को आगे बढ़ा रहे हैं। अगर आपने हमें चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं आप निराश नहीं होंगे। भले आप 1 महीना इस चैनल को फॉलो करके देखिए, आपको मिलेंगे यहां जागरूकता से जुड़ी हुई वीडियो और आपके परिवार आपके समाज से जुड़ी हुई वीडियो। सर्च कीजिए जीवन उत्साह न्यूज़ फेसबुक पे और यूट्यूब।